हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो व्यापम द्वारा न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 50 से अधिक पदों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, उसकी संपूर्ण डिटेल्स आपको बताऊंगा। उसके सिलेबस हो गया, पेपर कब होगा, ये सब तुरंत बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है, तो ये है 9 तारीख। 9 तारीख से स्टार्ट होगा, बुधवार से। उसके बाद बता दूँ, इसका अंतिम तिथि जो है वो 3 तारीख के है, अंतिम तिथि 3 अप्रैल के है। और उसके बाद इसका जो पेपर है वो होगा 24 अप्रैल के। अब होगा इसका पेपर 24 अप्रैल के होगा। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये फीस लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यानी सक्त जन के लिए 200 रुपये फीस लगेगा। और इसका पेपर प्रदेश के 5 संभाग में इसका पेपर होगा, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और सरगुजा और बस्तर में यहाँ पर होगा। अब इसके बारे में सिलेबस में देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में बता दूँ आपको कि इसमें 200 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 50 अंक के जो है वह सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में मैं आपको बता दूँ कि सामान्य ज्ञान में भारत के सामान्य ज्ञान आएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान। देखिए, इसमें भारत का इतिहास होगा, उसके बाद भारत का भूगोल होगा, भारत की अर्थव्यवस्था होगी, और भारत का विज्ञान होगा, और भारत की दर्शन, कला, साहित्य और श्रम समय की घटना, खेल और पर्यावरण होगा। जबकि छत्तीसगढ़ में भी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जीके रहेगा। अब अपन देखते हैं इसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के इसमें 30 नंबर रहेंगे। फ्रेंड, कंप्यूटर के कितने 30 नंबर रहेंगे, मैं अपने टेलीग्राम पर मैंने टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया, वहाँ से आप डिटेल्स जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके बाद 30 नंबर के गणित रहेंगे, 30 नंबर के कितने हैं गणित रहेंगे, और 30 नंबर के रीजनिंग, 30 नंबर का रीजनिंग और 30 नंबर का गणित रहेगा। 40 नंबर का क्या रहेगा फ्रेंड, हिंदी रहेगा, और 20 नंबर का, 40 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का क्या रहेगा, अंग्रेजी रहेगा। तो इसी तरह 200 नंबर रहेंगे, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। अब इसका वेतन देख लेते हैं। इसका वेतन बता दूं फ्रेंड, 19,500 से स्टार्ट होगा और 62,000 तक के रहेगा इसका बेसिक पेमेंट, और भत्ता अलग से मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता देखेंगे फ्रेंड अपन, और पद, तो चलिए इसके पद के बारे में बता दूं कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन विधि विधायकी कार्य विभाग में कितना है, 13 पद है फ्रेंड्स, सहायक ग्रेड 3 का। उसके बाद कार्यालय पंजीयन सहकारी संस्थान छत्तीसगढ़ में 6 पद है, और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कितना है, 13 पद है। नगर सेना, अग्निशामक, आपातकालीन सेवा और SDRF राज्य मुख्यालय छत्तीसगढ़ में क्या है, इसमें 10 पद है। इसमें टोटल कितने हैं, 10 पद है। और उसके बाद आपको बता दूँ कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 11 पद है, और नगर सेना में क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद है। तो ऐसे ही अपन करेंगे तो ये टोटल कितने पद हो जाएंगे फ्रेंड्स, 13 दून 26, 36 6 42, 45 और 11 56 पद। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 56 पद हो जाएंगे। अब इसकी शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। आयु इसमें बता दूं फ्रेंड्स कि इसकी 1 जनवरी 2022 के इसकी आयु कितने, 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ST SC तथा OBC को क्या है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और उनकी अधिकतम सीमा क्या है, 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, और बाकी सब कैटेगरी के लिए ST SC OBC के लिए 45 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखते हैं फ्रेंड कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की डिग्री, यानी 12वीं पास या फिर प्रथम वर्ष की डिग्री होना चाहिए BA फर्स्ट ईयर के। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा के अंतर्गत क्या हो सकता है फ्रेंड, DCA, PGDCA या कंप्यूटर कोपा अगर किए हैं तो वो मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ के शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी के मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति
और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी, उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, इसके कारण अभी ये वाली शैक्षणिक योग्यता के कारण बहुत विवाद हो रहा है, तो हो सकता है इसको हटा भी सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पास कई ठो इसमें ज्ञापन सौंपे गए हैं विद्यार्थी के द्वारा। तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा और उसके बाद पेपर जरूर दिलाइएगा। अगर ये संस्था हटा दिया तो आप इसी डिग्री यानी DCA कंप्यूटर के डिग्री के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद अपन देखते हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का शैक्षणिक योग्यता बता दूं फ्रेंड, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या 10वीं बोर्ड की परीक्षा तथा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष के डिप्लोमा तथा कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। तो ये किसका है? ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का बताया हो, तो इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी मैं टेलीग्राम में दिया हूँ फ्रेंड, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका पूरा PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।